नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भरमा भिंडी सभी को बहुत पसंद होती है, छोटे से लेकर बड़े को। आप इस तरह से भिंडी बनाएंगे तो सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप एक बार बनाएंगे तो आपका मन करेगा हम बार बार बनाएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, पैन में 2 चम्मच यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ। यहाँ तेल गरम हो चुका है, यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चने की दाल लिया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने उड़द की दाल लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। इन सारे चीज़ों को डाल देना है। गैस को मैंने धीरे कर रखा है। ये 1 मिनट हो चुका है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ी लहसुन की कलियाँ ली हैं, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा। अब यहाँ मैंने थोड़े से मूंगफली के दाने लिए हैं, ये भुनी हुई मूंगफलियाँ हैं, आप छिलके सहित भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने नारियल पाउडर लिया है। मैं गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ। मसाले हमारे यहाँ ठंडे हो चुके हैं, ये मिक्सी की जार में डाल लेना है। अब यहाँ मैं नमक स्वाद अनुसार डाल दूंगी। यहाँ मैंने भिंडी 300 ग्राम ले रखी है और 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देना है और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ये कम तीखा वाला है। और साथ में यहाँ पे मैंने आमचूर लिया है, 1 छोटा चम्मच ये डाल दूंगी। और साथ में मैंने आमचूर की जगह आप इमली का ऐसे डाल सकते हैं, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल रखी हैं तो ये 1-2 पीस में ये भी डाल दूंगी। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें डाल के पीस लेना है। आप चाहें तो इसमें गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने गर्म मसाले का यूज नहीं किया है। यहाँ मैंने इसको पीस लिया है, इसे अभी हम बाउल में खाली कर देना है। इसको मैंने बाउल में खाली कर लिया है। अब यहाँ मैं 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ, ये थोड़ी सी दरदरी पिसी हुई है, थोड़े से मोटे हैं, थोड़ा पिसा हुआ है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्लिप कर नहीं डालिएगा। मैं इन सब चीज़ों को मिला लूँगी। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ये मसाले पीसें बिल्कुल फाइन पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी इसकी दाल वाल पिस जानी चाहिए। अगर इसकी दालें साबुत रहेंगी तो आपको भिंडी में बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है, आपका जग बिल्कुल फाइन होना चाहिए। अब इधर मैंने भिंडी ली है, भिंडी को मैंने दोनों तरफ से काट लिया इस तरह से और बीच में से मैंने चीरा लगा लिया है और इस तरह से खाली कर लिया। तो आप देख सकते हैं, अब इन सब भिंडियों को मैं भर लूँगी। जितना मसाला आ जाए उतने आराम से आप भर सकते हैं दबा दबा के। आप लोग इस भिंडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये भिंडी की सब्ज़ी जो मैं भरमा बता रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये आप बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आ जाती है। ये आप देख लोगे, इस तरह से मैं भिंडी सारी भर भर के रखती जाऊँगी। आपको जैसा मसाला पसंद है उस हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। वैसे यहाँ मैंने सारी भिंडी भर ली है अच्छी तरह से। आप इसे दबा दबा के मसाले भर सकते हैं। जितना यहाँ मैंने मसाला बनाया था, इसमें आपकी 30 भिंडी बनेंगी। 30 मैंने ऐसे पीस गिन रखे हैं, ये मेरे 30 हैं। तो आप बड़े छोटे, अगर छोटे होंगे तो ज़्यादा भर जाएंगे, नहीं तो इतनी बड़ी होंगी, तो आपकी 30 भिंडी बनेंगी इस मसाले में। तो अगर आपको रेसिपी कुछ पूछनी हो तो आप, मैं उसमें आपको लिख के भी दे सकती हूँ, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं आपको रेसिपी बता दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो साथ में एक रेड बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा और आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सके इसके लिए बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। यहाँ भिंडी मैंने भर ली है, अब इसको मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ मैंने एक पैन रखा है, वही सेम पैन रखा है। अब इसमें मैं यहाँ सरसों का तेल डाल रही हूँ। यहाँ तेल गरम हो चुका है, यहाँ 1/2 छोटा चम्मच यहाँ मैं अजवाइन डाल दे रही हूँ। और गैस को हमें थोड़ा धीरे रखना है, मीडियम से थोड़ा सा धीरे,
और ये सारी भिंडी जो मैंने ये रखी है इन्हें हमें डाल देना है एक एक करके। यहाँ मैंने सारी भिंडी पैन में रख दी है इस तरह से, और इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। ढकने से भिंडियाँ जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और पक जाती हैं। और 2 मिनट बाद इसको हमें पलटना है कि 3-4 मिनट तक फिर दोबारा पकाना है। इस तरह से दोनों तरफ से मैं अलट पलट के पका लूँगी। और अगर आप पैन में घी एक तरफ हो जाता है तो इसको इस तरह से हिला सकते हैं तो घी सारी तरफ हो जाता है। तो यहाँ मैं पैन को ढक दे रही हूँ। यहाँ 2-3 मिनट हो चुके हैं, भिंडी मेरी आप देख रहे होंगे गल चुकी है। ये मैंने इसको एक बार अलट पलट किया था इस तरह से, और दोबारा से मैं पलट दे रही हूँ। और हमें थोड़ी क्रिस्पी होने तक थोड़ा सा इसे पका लेना है। भिंडी हमारी यहाँ पे भरमा भिंडी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें लहसुन जो डाला है, अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा। अगर आप प्याज का भी यूज करना चाहते हैं तो इसी तरह से इसमें पीस के आप डाल सकते हैं, भर सकते हैं। और मैंने इसको आप देख रहे होंगे लाइट ब्राउन होगी। इसे आपको पलटने का तरीका बता रही हूँ, छोटे छोटे मैं टिप्स आपको बीच बीच में कभी देती रहती हूँ, आप ध्यान से देखा करिए। जब भी आप भरमा भिंडी बनाएं तो चम्मच के पीछे के हिस्से से आपको इस तरह से पलटनी है, क्योंकि हम कई बार पलटते हैं तो भिंडी अच्छी तरह से नहीं पलटती है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। और भिंडी हमारी पककर तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। भिंडी पकने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। आप इसे मैंने आपको बताया था मीडियम से लो के बीच में रखी है मैंने, ना हाई पे ना बहुत धीरे, मीडियम से कम में करके इसको मैंने पकाया है। और जैसे आपको पसंद है, ज़्यादा गलानी पसंद है, खड़ी पसंद है, जैसी भी आपको पसंद है आप उस तरह से भर के बना सकते हैं। यहाँ मेरी भिंडी तैयार है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर धनिया सर्व कर सकते हैं, हरा धनिया, पर दोस्तों मेरे पास नहीं है, मैं धनिया सर्व नहीं करूँगी क्योंकि भिंडी में कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो भिंडी मेरी तैयार है। देखा दोस्तों, हमारी भिंडी बनके रेडी हो चुकी है। मैं आपको एक टिप्स और बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे भर के माइक्रोवन में बना सकते हैं। ये 6 से 7 मिनट में ही माइक्रोवन में पक के तैयार हो जाती है और भिंडी बहुत ही अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। दोनों तरफ से मैंने इस तरह से पका लिया है और आप देख सकते हैं भिंडी बहुत ही टेस्टी बनी है। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो दोस्तों इसके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल बटन है उसे जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।